विस्तार से समझेंगे, देखते हैं अब इस विस्तार से भारत में किस प्रकार राशन सिस्टम या फिर जो है पीडे सिस्टम का विकास हुआ, ये खाद्य सुरक्षा को जो विकास हुआ 1943 यानी कि 1940 के दशक से बात करें तो 1940 के दशक से बात की जाए तो बंगाल में एक अकाल पड़ा और 1943 में बंगाल में एक अकाल पड़ा। बंगाल में 1943 का जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, विश्व मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं कि 1943 में बंगाल में फैमान आया। इस फैमान के कारण, ये फैमान क्यों आया, उस समय भारत में भारत स्वतंत्र नहीं था, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी, ब्रिटिश रूल था और इस समय ब्रिटिश जो सरकार थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1939 से 1944 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उनमें उसमें इन्वॉल्वमेंट था ब्रिटिश सरकार का। तो इस समय क्या हुआ कि बड़े स्तर पर भारत में खाद्यान्न थे, इसके बावजूद भी बंगाल में 1943 में भीषण अकाल आया और वो भीषण अकाल था। इस भीषण अकाल के कारण लोगों को खाद्य सामग्री ना मिलने से लोगों की डेथ हो गई और लोगों की मृत्यु हो गई, अकाल से लोगों की मौत हो गई, लोगों को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा। तो बताते हैं कि बंगाल में लगभग 20 से 30 लाख लोग जो लोग यानी कि दो से तीन मिलियन जो लोगों की डेथ हुई, यानी कि उनकी आप देखिए उस चित्र को देखिए, विचित्र चित्र है। आपको आप इंसान है तो आप मानवता में विश्वास करते हैं तो वो आपको प्रेरित कर सकता है, आपको कहीं ना कहीं आश्चर्यजनित कर सकता है कि लोग बंगाल में लोग बिखर गए, लोग हड्डियां दिख रही है, लोग खाने के लिए अनाज नहीं है लोगों के पास। तो कम से कम 20 से 30 लाख लोग जो है फैमाइन का शिकार हो गए, खाद्यान्न संकट का शिकार हो गए। 3 मिलियन या 20 से 30 करोड़ 30 लाख लोग जो है फैमाइन का शिकार हो गए। और आप देखिए उस चित्र को, लोग हड्डियां दिख रही हैं, लोग कहीं ना कहीं लोगों को खाने के लिए जो है अनाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके कारण ब्रिटिश सरकार ही जिम्मेदार थी। उसमें ब्रिटिश सरकार ने क्यों किया, क्या ब्रिटिश सरकार ने अपनी भू राजस्व नीतियों के माध्यम से जो है भारत में कृषि का वाणिज्यकर किया गया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया। तो कृषि का वाणिज्यकर करने से क्या हुआ कि भारत में गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ा। तो खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ, इसके जैसे नील की खेती पर बल दिया गया, मसाले उत्पादन पर बल दिया और जो है जो कॉटन और जूट के उत्पादन पर बल दिया, इस ब्रिटिश सरकार ने अपनी कृषि नीतियों के माध्यम से बल दिया। तो भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं बंगाल की क्राइसिस का एक कारण है। ये तो पूरे भारत में ही जो अकाल आए थे उसके कारण है, लेकिन इस समय भारत में खाद्यान्न के भंडार तो थे, लेकिन वो भंडार द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक थे उनके लिए सामग्री जो है पहुंचाई गई थी, लोगों को समय पर भोजन नहीं मिला, समय पर खाद्यान्न नहीं मिला, इस कारण वो जो है फूड जो है अकाल के शिकार हो गए और इस कारण जो है 20 से 30 लाख लोगों की मौत हुई। और ब्रिटिश सरकार इस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व थी, इस कारण जो है सैनिकों के लिए खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई गई। तो कहीं ना कहीं वहां पर बंगाल के लोगों को खाद्यान्न सामग्री नहीं मिलने से उनकी डेथ हुई। और उसका कारण अब इस अकाल जो पड़ा था, ब्रिटिश सरकार ने इस अकाल की समीक्षा के लिए एक जांच आयोग बनाया गया। इस जांच आयोग की जो आयोग जब कमीशन था उसके अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष का नाम है वुडहेड। ब्रिटिश सरकार ने वुडहेड की अध्यक्षता में जो बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1943 में उसकी जांच करने के लिए वुडहेड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, एक इंक्वायरी आयोग फैमाइन इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। इस फैमाइन इंक्वायरी कमीशन ने या फिर वुडहेड कमीशन ने पता क्या बताया, उसने यह बताया कि बंगाल में जो अकाल पड़ा है उसके लिए मानव ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वो जिम्मेदार नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके लिए जिम्मेदार प्राकृतिक कारण जिम्मेदार है, वहां की प्राकृतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं, वहां की जो मानसून जिम्मेदार है, ऐसा इस आयोग ने बताया। क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट थी बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी, बहुत ही विवादास्पद थी, इसलिए कहीं ना कहीं इसने ब्रिटिश सरकार का बचाव किया गया और भारत बंगाल में जो अकाल पड़ा उसके लिए भारत के लोगों को जिम्मेदार माना। तो ऐसे क्योंकि भारत उस समय स्वतंत्र नहीं था, वुडहेड कहीं ना कहीं इन्होंने एक तरीके से इनकी रिपोर्ट थी बहुत ही विवादास्पद थी।
और इन्होंने कहीं ना कहीं जो बंगाल के अकाल में जो मरने वाले जो लोगों की संख्या थी उसको भी छुपा कर रखा गया, इन्होंने वास्तविक डेटा लोगों को नहीं दिया, ब्रिटिश सरकार को नहीं दिया। फिर इसके बाद यही से बंगाल में जो अकाल पड़ा उसके बाद ब्रिटिश सरकार के सामने चुनौती आई कि अब जो है भारत में राशन सिस्टम को कुछ लोगों को जो खाद्यान्न संकट का जो सामना कर रहे हैं या जिन्हें खाद्यान्न सामग्री नहीं मिल रही है खाद्य सुरक्षा के लोगों को जोड़ने के लिए, तो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने राशन सिस्टम को लागू किया गया। 1940 के दशक से ही भारत में राशन सिस्टम को लागू किया गया। अब ये राशन सिस्टम जैसे भारत आजाद, ब्रिटिश सरकार चली गई, ब्रिटिश भारत को 1947 में ब्रिटिश 1947 में भारत आजाद हो गया, तो फिर जो है ब्रिटिशों ने इस राशन प्रणाली जो है भारत में बंद हो गई। फिर जो है उसको भारत आजाद हुआ तो फिर देखा गया कि अब जो है कि भारत में वास्तविक रूप से जो खाद्यान्न संकट का जो लोग हैं, तो खाद्यान्न संकट के जो शिकार लोग हैं या फिर जो लोग गरीब लोग हैं जो जिन लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए, तो फिर इस प्रकार की जरूरत को पीडीएस सिस्टम को बड़े स्तर पर व्यापक तरीके से लागू किया जाएगा 1960 के दशक में। अब समझते हैं हम भारत में पीडीएस सिस्टम को। तो भारत ने 1947 में आजादी हासिल की, इंडिपेंडेंट हासिल किया, तो इस समय की आप सिचुएशन देखिए कि भारत आजाद हुआ है। इस समय